नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की बेहद बड़ी खबरें। इन खबरों को जानने के लिए लगातार साथ में वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि बड़ी खबरें आप लोगों से छूटे नहीं और हर जानकारी सही सही आप सभी तक पहुंचे। जी हाँ, कई मंत्रियों का कटा है पत्ता, कैबिनेट से हो गई छुट्टी। आपको बताते चले, स्मृति ईरानी अनुराग ठाकुर को लेकर भी आ रही है अपडेट, क्या कुछ है मंत्रिमंडल की स्थिति जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप दूसरी तरफ मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। सबसे पहले और बड़ी अहम खबर जानते हैं, स्मृति ईरानी मीनाक्षी लेखी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों का मोदी सरकार तीन से कटा पत्ता, 20 मंत्रियों के नाम शामिल है, कैबिनेट से इनकी छुट्टी की गई है। स्मृति ईरानी के साथ ही अनुराग ठाकुर भी हैं, इन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन आप सभी को बताते चले, इस बार गठबंधन की सरकार है, इसलिए यहाँ पे अब मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार कहलाएगी। आपको बताते चले, सीएसडीएस का जो ताजा सर्वे आया है वह कहता है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को यूपी के लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, इसीलिए इंडिया गठबंधन को जबरदस्त रिस्पांस मिला, यहाँ पे प्रतिक्रिया मिली। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पीएम हो, ये सिर्फ 32% लोग ही चाहते थे यूपी के। राहुल गांधी की लोकप्रियता में किस कदर इजाफा हुआ है वह यह आंकड़े बयां करते हैं। राहुल गांधी को पीएम के तौर पर उत्तर प्रदेश की 36% जनता देखना चाहती थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बीजेपी पर हमलावर हैं, बीजेपी ने अगर अपना स्पीकर बनाया तो स्थिति और भी खतरनाक होगी। जी हाँ, आप नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिले बहुमत के बाद बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार पीएम बन गए, शपथ ले ली। एनडीए गठबंधन के तहत घटक दलों को लेकर कई कयास उनकी डिमांड को लेकर भी है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि स्पीकर का पद जेडीयू और टीडीपी दोनों ही मांग रही हैं। इसी बीच स्पीकर को लेकर आप नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर बीजेपी के पास रहता है तो यह संसदीय परंपराओं के लिए खतरनाक हो सकता है। संजय सिंह ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के दूसरे सबसे बड़े दल टीडीपी के पास रहना चाहिए, जो कि 16 सांसद जीतकर संसद में सरकार के साथ खड़ी है। संजय सिंह का बयान ऐसे समय आया है जब एनडीए सरकार का राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा इस बार नहीं छु पाई, 32 सीटें पीछे रह गई, जिसके चलते उसे टीडीपी, जेडीयू समेत एलजेपी, शिवसेना, जनसेना समेत कई छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ा। इन छोटे दलों में बीजेपी तोड़फोड़ कर सकती है। इसी बीच जनसेना ने यहाँ पे एकदम से अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। आपको बताते चले, समर्थन वापस ले लिया है, सरकार का हिस्सा नहीं होगी जनसेना पार्टी। जी हाँ, शपथ से पहले ही पवन कल्याण ने पीछे खींचे पांव, मोदी सरकार में शामिल नहीं होगी जनसेना पार्टी, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। एनडीए सरकार में घमासान कम होता नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार के 5 सांसद संपर्क से बाहर हैं, सूत्रों ने इस समय की बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ, लगता है जेडीयू में हो गई बगावत, मंत्री पद ना मिलने और नीतीश कुमार के व्यवहार से यहाँ पे नाराज ये सांसद हैं, जिनकी कुल संख्या 5 बताई जा रही है। ये सभी सांसद नीतीश कुमार के संपर्क से बाहर हैं। अभी एनडीए सरकार का हाल ही में ताजा ताजा शपथ ग्रहण हुआ और ये देख सकते हैं घमासान सहयोगी दलों में मचा है, सांसदों ने बगावत कर दी है, मंत्री ना बनाए जाने से खासे नाराज हैं। तो दूसरी तरफ आप सभी को बताते चले, इस समय की जो ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा कर दिया है, इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की फिलहाल कोशिश तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे सही समय होता है तो हम भी सरकार बना सकते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने अभी तक कोशिश नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि कल हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं सीएम ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में मंत्रालयों को लेकर घमासान मचा है। इसी बीच एक ताजा अपडेट आ गई है, बीजेपी अपने पास 4 अहम मंत्रालय रखेगी। आपको बताते चलें, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय खुद रखेगी बीजेपी, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। देख सकते हैं ये अहम मंत्रालय हैं।
जिन्हें बीजेपी अपने पास रखेगी, ये बात यहाँ पे तय मानी जा रही है। तो दूसरी तरफ एक बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले ही अजीत पवार की बड़ी मुश्किलें, एनसीपी से नहीं होगा कोई भी मंत्री, खबर निकल के आई थी और अब इस पे मुहर भी लग गई है। मोदी कैबिनेट में एनसीपी के किसी भी नेता को मंत्री पद नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक एनसीपी के नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, पार्टी नेता सुमित, दोनों के बीच ही मंत्री बनने को लेकर टकराव की स्थिति थी, जिसके चलते अजीत पवार के सामने संकट खड़ा हो गया था। अजीत पवार यहाँ पे तय नहीं कर पाए दोनों में से कौन मंत्री बनेगा। लेकिन आपको बताते चले, पीएम आवास नहीं पहुंचा एनसीपी का कोई भी नेता, इसके चलते ये टकराव कम नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पे एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से कोई भी मंत्री नहीं बन पाया। दोस्तों अभी अभी ताजा अपडेट निकल के आई है, नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले ही मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के पास फोन पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी का फोन से बताया गया कि उन्हें कैबिनेट की शपथ लेनी है। वहीं सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों को भी फोन किया गया। बता दें अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें वह अपनी सीट ही जीत पाई। जीतन राम मांझी हम 1 सीट जीत पाए हैं। और आपको बताते चलें, जयंत चौधरी ने यहाँ पे 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वह 2 सीटों पर ही चुनाव जीत पाए हैं। ये ताज़ा अपडेट निकल के आई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने अपने कोटे के मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही यहां पे HD कुमार स्वामी JDS के, इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी अब संसद में गरजेंगे, बोले नीट परीक्षा विवाद पर छात्रों से राहुल गांधी ने किया है बड़ा वादा, मैं संसद में आपकी आवाज बनूंगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री के लिए नामित नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए कार्यकाल के लिए मोदी शपथ लेने से पहले ही परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण 24 लाख से अधिक छात्रों को नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने देश के छात्रों को आश्वासन दिया कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ नहीं ली और नीट परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो गई, 24 लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों को इन्होंने तोड़ दिया है पूरी तरीके से। ये राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से NDA सरकार पर निशाना साधा और यहाँ पे छात्रों को बड़ा आश्वासन भी दिया है। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुँचाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।